माफ कर दो भंडारी भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे गैरेज में सफेद पाउडर की थैलियां रखी हुई है। सफेद पाउडर? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ नमक है। मैं सच कह रहा हूँ भाई। सच कहना भी तो बहुत जरूरी नहीं होता बुर्बक। नहीं, मुझे माफ कर दो भाई। जा, जा माफ किया, भाग जा। मुझसे गलती हो गई भाई। दूसरा बार ऐसा गलती नहीं करना। नहीं, जा, भाग जा। बहुत अच्छा आदमी था, मगर बदनसीब। रहमान भाई आ रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। भंडारी भाई। अरे आओ रहमान भाई। कल रात महेंद्र भाई का कत्ल हो गया। वो तो हमको भी मालूम है, बहुत दुख हुआ। भला आदमी था, बहुत भरोसे वाला था। भरोसा तो वहाँ पर भी बहुत करता था। का मतलब? मतलब ये कि उसके घर वाले कह रहे थे कि उसके लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, वो और उसके खोल के कागजात, सब कुछ आपके पास है। अरे कागज रखने का मुझे शौक नहीं है। उसने कर्ज लिया था मुझसे। वो आपको कर्ज मिल जाएगा वापस, लेकिन उसके घर वालों को कागजात की सख्त जरूरत है। अरे हम सब समझता हूँ, कागज दे भी देंगे, मगर रहमान भाई एक बात बताओ, ये दूसरे के फायदे का चक्कर कब तक चलता रहेगा? अपना फायदा काहे नहीं सोचते हो? हम बार बार कहते हैं हमारा साथ काम करो, लाखों करोड़ों कमाओगे। मेरे फायदे के बारे में सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भंडारी साहब। और रही बात आपके साथ काम करने की, तो मैं पहले ही आपको मना कर चुका हूँ। अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो भी कमा लेता हूँ ना, बहुत है मेरे लिए। अरे कागज लाओ ना, कितना टाइम लगाता है कागज लाने में। ई लो भाई, ये उसका कागज है, तुम्हारा शादी का कागज नहीं है। अच्छा अभी बताओ, तुम शादी कब करोगे? करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन कब करोगे? पहले अपने छोटे को तो सेटल कर लूं। ओ दिलदारा, साथ अब ये हमारा
के मंदिर से पूजा करके आई हूँ और पंडित जी ने धागा भी दिया है, देख लेना तुम जरूर पास हो जाओगे। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ हाँ चले जाना, मैं कौन से पल्लू से बांध के बिठा के रखने वाली हूँ। पता है कल रात तुम मेरे सपने में आए थे। ये तो तुम रोज ही कहती हो। लेकिन कल रात तुमने मुझे बहुत ही खास बात कही थी। क्या? तुमने मुझे आई लव यू कहा था। एक बार फिर से कह दो ना आई लव यू। ठीक है आई लव यू। थैंक्स। जब भी तुम मेरे यहाँ पर आते हो तो ड्रिंक लेते हो, तुम्हारा कोटा पूरा हो जाता है और तुम यहाँ से चले जाते हो। मेरे साथ कुछ करना तो दूर, मेरे साथ बात तक नहीं करते। क्यों, जवाब नहीं दोगे? नहीं देता। तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो अपुन यहाँ नहीं आएगा। मैं आने को मना नहीं करती, लेकिन इस तरह गुंगा बनकर बैठना भी अच्छा नहीं लगता मुझे। जब से तुम मेरे पास आए हो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब्बू से शादी की बात क्यों नहीं कर लेते इकबाल? इस तरह छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? छुप छुप के मिलने में ही तो प्यार का मजा है ना ही। और अब्बू से अपनी शादी की बात करूं और उन्होंने ना कर दी तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? वो तुम पर नजर रखेंगे, मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे, जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। कैसा खतरनाक? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, किसी दिन तुम्हें भगा कर ले गया तो।
आदाब चाचा जान। आदाब टोनी, आज तुम अकेले कैसे? राजा और इकबाल कहाँ हैं? राजा तो अपने घर गया है और इकबाल का तो अपना कोई घर है नहीं, पता नहीं कहीं गया होगा। मैं यही सोचता हूँ टोनी, तुम लोग बड़े हो गए हो, अच्छा कमा खा लेते हो, तो फिर घर क्यों नहीं बचा लेते भाई? मेरी छोड़िए चाचा जान, इकबाल के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखिए ना। इकबाल के लिए लड़की तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ बेटे, लेकिन उसके लायक कोई लड़की मिलती नहीं। अपनी नाहिद के बारे में कुछ सोची ना, मेरा मतलब उसकी शादी के बारे में। नाहिद के लिए बहुत दिनों से मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ बेटे, लेकिन कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिलता। कमाल है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चाचा जान, आप अपने घर जाकर जरा सोचिए, मेरा मतलब है हो सकता है आपको नाहिद के लिए लड़का और इकबाल के लिए लड़की मिल जाए तो। हैं, क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब है। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे चाचा कहाँ चले? अरे भाई तुमने टोकी दिया है तो घर जाके देख लूं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है क्या? हाँ, इस बात से तुम्हारे खानदान की बड़ी बदनामी होगी, चाचा जान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। नहीं, मैं भागूंगी नहीं। लेकिन तुम शादी की बात मत करना, इस तरह छुप छुप के मिलने में हम लोगों की भलाई है। लेकिन जरूरत नहीं एक बार कि अबू ना कहेंगे, वो हाँ भी तो कर सकते हैं। हाँ कर दे तो चट मंगनी और पट ब्याह। यही तो मैं चाहती हूँ। लेकिन उनसे बात करने में रिस्क है। रिस्क तो छुप छुप कर मिलने में भी है, किसी दिन अबू ने देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आओ मेरे करीब आओ। या अल्लाह। अरे अब्बू को भी अभी आना था। इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, मैं आपसे मिलने आया था। नाहिद बोली कि चाय पी के जाओ। पी ली चाय? नहीं अब्बू, बस वो क्या है कि अब्बू बस चाय बनाने जा रही थी, पर आप अचानक कैसे आ गए? मुझे रास्ते में टोनी मिल गया, उसने कुछ ऐसी बात बोल दी कि मुझे आना पड़ा। चलिए आपसे यही मुलाकात हो गई, अब मैं चलता हूँ। रुको मियाँ, चाय नहीं पियोगे? वो चाय देखो बरखुदार, मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा मेरे घर पे आना मेरी इज्जत के लिए अच्छा नहीं है, समझे? अब तुम एक काम करो, या तो गांव से अपने अब्बा को यहाँ बुला लो, या मुझे तुम्हारे गांव जाना पड़ेगा। अब्बा को किस लिए? अब्बा को किस लिए, अगर तुम्हें बता सकता तो अब्बा को क्यों बुलाता है? चल बेटी नाहिद, तू इस बेवकूफ के लिए अच्छी सी चाय और बढ़िया सा नाश्ता बना के ला। हाँ भैया आशीर्वाद दीजिए। हेलो, मिठाई खाओ। अरे रहमान भाई, अरे भाई ले लो, तुम भी लो। अरे आओ रहमान भाई आओ। अरे हमने सुना छोटा पास हो गया आपका, तो आप तक खबर पहुंच ही गई। अरे हमने तो फैसला भी कर लिया है, ये छोटे को कल के बजाय आज ही नौकरी पर रख लूं। बोलो क्या पगार लोगे? भंडारी साहब, आपके हिसाब से मेरे भाई के बारे में सोचना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका मेरे भाई के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं। नहीं तो आप मेरे भाई के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, मैं हूँ ना सोचने के लिए। आप लीजिए मिठाई खाइए। एक और दो लीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू। ये लो भाई, तुम भी लो। खुश रहो खुश रहो। अरे ये आदमी अपने आप को क्या तिस्मार खा समझता है? ऐसे लगता सेठ। अरे खुद तो खुद छोटे को भी तिस्मार खा ये बनाने की कोशिश करता है। अब ऐसा मौका तलाश करना पड़ेगा कि दोनों गटर के कीचड़ में गोता लगाता रहेगा और कभी पनपने ना पाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ओके भाई। अरे लो भाई मिठाई खाओ। अरे मेरा छोटा पास हो गया, तुम सब मिठाई खाओ, खुशियाँ बनाओ खुशियाँ मनाओ। अरे छोटा पास हो गया, हाँ तू भी मिठाई खा। अरे मेरा छोटा अच्छे नंबरों से पास हुआ है, ये ले मिठाई खा और ये लो पूरे मोहल्ले में बांट दो। जाओ जाओ। मुबारक हो रहमान भाई। भाईजान कब तक पढ़ाते रहेंगे आप राजा को? बस भी करो, गैरेज ही संभालना है ना उसे तो। अरे भाई गैरेज संभालने के लिए थोड़ा ही मैंने उसे पढ़ाया है, देखना एक दिन मैं उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। तब गैरेज की जरूरत ही क्या थी भाईजान? अरे भाई गैरेज से कुछ न कुछ तो मिलता है ना, और वो जो लड़के हैं उनका गुजर बसर भी वहीं से चलता है। मैं सोचता हूँ कि वो गैरेज उन्हें ही दे दूं। शरारती हैं लेकिन अच्छे घर के हैं। हे बल्लू, और कितना टाइम लगेगा रे?
तुमने पुकारा और हम चले आए। लो हो गई गाड़ी तैयार। बिल कितना हुआ? 50 rupees only। अरे जाने भी दो यार, ये क्या कम है कि मैडम हमारे गैरेज में आके हमारे गैरेज की शान बढ़ा दी। हाँ तो कितना कहा था आपने? जो चाहे खुशी से दे दो। ये बात है तो ये लो रख लो। अरे रख ले यार, हम भी तो कह सकेंगे कि आप जैसी महान हीरोइन हमारी गैरेज पे आई थी। क्यों भाई क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, यार कुछ भी हो हीरोइन एकदम मस्त पटाखा थी। हाँ। बोल बच्चन छोड़ दे अपना, तू नहीं सुधरेगा। अरे यार ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि कल चाचा घर पर आ गए थे। अच्छा सुन, मैंने नाहिद को टाइम दिया है, मैं मिलने जा रहा हूँ। देखा ये नहीं सुधरेगा भाई। गाड़ी तैयार हो गई है सेठ, आप पहली बार आए इसलिए सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, जो मटेरियल लगे उसका पेमेंट कर दीजिए। मुझसे पेमेंट की बात कर रहा है? भाई से पेमेंट मांगता है। पाजी पैसे तो देने पड़ेंगे। जबान लड़ाता है मुझसे, जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। जानते हैं सेठ, कैलाशनाथ, यहाँ के MLA केदारनाथ के छोटे भाई कैलाशनाथ हैं। लेकिन सेठ धंधा तो धंधा होता है। अगर मेरी खोपड़ी सनक गई ना तो तेरा ये गैरेज यहाँ नजर नहीं आएगा। ये बात आपको शोभा नहीं देती, अपनी भी खोपड़ी अगर सनक गई ना तो समझ लेना तेरी हिम्मत पकड़ो से। हेलो पुलिस स्टेशन। तुम तीनों गैरेज चलाने के नाम पे गुंडागर्दी करते हो, वो भी मेरे इलाके में। नहीं साहब, हमने तो सेठ से अपना पेमेंट मांगा था। तेरा पेमेंट, माफी मांग सेठ से। माफी हम क्यों मांगे, गुंडागर्दी तो सेठ करता है। कैलाश बाबू, अगर तुम मुझे इन तीनों के नाम पे FIR दर्ज करा दो तो मैं ऐसा रिमांड लूंगा ये लोग मुंबई में रहना भूल जाएंगे। अच्छा तो तू है मुंबई का राजा। बस 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 इंस्पेक्टर, जाने दो इन्हें। सुन रहे हो, महानता देखो कैलाश बाबू की, ये चाहे तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग हम पर इल्जाम लगाएं कि हमने पावर का सहारा लेकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे तो इन्होंने मेरे आदमियों के साथ बदतमीजी की है, लेकिन फिर भी मुझे इन पर तरस आता है। इन्हें जरा समझाओ और जाने दो इन्हें। अभी तो जाने देता हूँ तुम लोगों को, अगर आइंदा कभी कैलाश बाबू के आदमियों के साथ तुम लोगों ने पंगा किया तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आउट। गेट आउट। और इंस्पेक्टर कैसा चल रहा है पुलिस स्टेशन आपका? है बस चल रहा है, आप लोगों की दया है। दया ही रहेगी, कोई हमारे लक्ष्य वो तो बताओ। अरे भैया क्या बात है, अभी आप अभी तक सोए नहीं आप? जिसका छोटा भाई अपने बड़े भाई की पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर गुंडागर्दी करे उसे कैसे नींद आ सकती है? क्या बड़े भाई, आप फिल्मी डायलॉग मार रहे हो। आप भी तो गुंडागर्दी कर करके इस मकाम तक पहुंचे हो, और अगर मैं इस मकाम तक पहुंचना चाहता हूं तो आपकी नींद क्यों उड़ जाती है? गलत समझ रहे हो कैलाश, सर पे इलेक्शन है, तुम्हारा एक गलत कदम मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। और कहना कुछ बाकी है? गुस्सा मत करो कैलाश, जिन लड़कों को पुलिस स्टेशन लेकर गए थे तुम उनमें भाईजान का छोटा भाई राजेंद्र भी था। अगर भाईजान किसी वजह से भड़क गए तो एक वोट नहीं मिलेगा हमें, और ये मत भूलो कि सामने भंडारी और उसके कई नेता हैं। भंडारी थाना का मुंह एक बार जो देख ले समझो उसका जिंदगी खराब।
भले वो थाना को भूल जाए लेकिन थाना उनको नहीं भूलता, खास तौर से तब जब हम जैसा आदमी याद दिलाने वाला हो। आप भाईजान के छोटे की बात करते हैं ना? अरे हाँ, वही भाईजान, घमंडी भाईजान। अरे हमका पसंद नहीं है वो हमारे सामने आके भाषण दे और हम सुनता रहूं, हम सुनता रहूं। हम उनका सर नीचा देखना चाहता हूँ, उनका सर नीचा देखना चाहता हूँ। और वो तभी होगा, वो छोटे के जरिया होगा, उसका सर नीचे देखना है। लो नाश्ता कर लो, उठो भी नाश्ता कर लो, मुंह पर 12 बजा कर क्यों बैठे हो? लगते हो बरसों के बीमार हो। मुझे भूख नहीं है। चुप होकर नाश्ता कर लो वरना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ तुम्हें, पुलिस में जाने का गम लेकर बैठे हो दिल पर, लेकिन इतने में ही टूट जाओगे तो आगे की जिंदगी का क्या होगा? वो तो भाई जी है जो तुम्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, वरना कभी से आटे दाल का भाव पता चल जाता। अब उठो भी ना राजा, बाहर जाके घूम के आओ, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। आइए। जी सर। कल जब आपने उन तीनों को अरेस्ट करके लाए तो आपने उनके खिलाफ केस फाइल क्यों नहीं की? दोनों पार्टियों की सुलह हो गई थी, इसलिए मैंने भी इस केस को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी। और तुमने उन तीनों लड़कों को थप्पड़ भी लगाई क्यों? कुछ तो ट्रीटमेंट देना ही था। कैलाश नाथ और उनके साथियों को ट्रीटमेंट नहीं दिया? गलती उन लड़कों की ही थी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कैलाश नाथ और उसके आदमियों ने गलती नहीं की? मौका वारदात पे मौजूद जिन आदमियों से गवाही ली थी, बुलवाया जाए उन्हें। जी वो सर, बात यह है कि मैं जानता हूँ तुमने उन तीन लड़कों और कैलाश नाथ और उनके साथियों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया होगा, बट एज ए पुलिस ऑफिसर इट इज नॉट फेयर। नाउ यू कैन गो। ओके सर। अरे तू भी क्या सोच रहा है यार, गाड़ी तैयार करके देनी है, कस्टमर आने वाला है। अरे कल जो भूल जाए यार, समझ लो कल कुछ हुआ ही नहीं यार। देख मेरे साथ हुआ है उसका कोई दुख नहीं है, पर राजा के चेहरे पर जो थप्पड़ पड़ा है उसे कैसे भूल जाऊं यार। अरे कल को तुम लोग का प्रॉब्लम हुआ था ना, भंडारी भाई का बोलना था ना। भाई हमें किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है भाई। और फिर कल ऐसा हुआ ही क्या था? अरे मारा क्या था, बस बीच चौराहे पर मार के जूते मारने की कसर रह गई थी। अबे चमचे अपना मुंह बंद कर और यहाँ से निकल ले। नहीं टोनी। ए टोनी, अबे क्या करता है, जरा हाथ लगा के देख। ठीक है भाई, हम में हिम्मत नहीं है, तू ही बड़े सुरमा हो, मेहरबानी करके चले जाओ। अब क्यों जाऊँ, जब मेरी इच्छा होगी चला जाऊंगा, तेरी मर्जी से थोड़ा जाऊंगा। वाह क्या बात है, एक शेर की तरह दौड़ता है और तीन अट्टे कट्टे गिदड़ की तरह दुम दबाता है। ये खुद जानते हैं कि आगे बढ़ने का अंजाम क्या होगा। ए भौंक मत कुत्ते। अब तू कुत्ता, तेरा खानदान तेरा बाप कुत्ता, कुत्ता करने की जरूरत कैसे की तूने? इज्जत से समझाते, समझ में नहीं आता, जा देख लेंगे तेरी फौज को भी। अब तेरी तो छोड़ देखता हूँ सारे। क्या हुआ बेटा? पिताजी, राजा को पुलिस पकड़ के लेके गई है। क्या? इट्स अ सिंपल मर्डर केस, कत्ल तो हुआ है चाहे कैसे भी, तुम तीनों के हाथों हुआ है, जिसकी सजा तुम लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। हवलदार इन्हें लॉकअप में डाल दो। तुम दोनों की गवाही से अगर उन तीनों को फांसी की सजा नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा जरूर होगी। वैसे तुम्हारा जो इंचार्ज बदली पे आया जी, मुझे लगता ज्यादा कड़क जी। भंडारी सेठ को मैंने होशियार कर दिया है और कुछ दिनों के लिए तुम लोग भी होशियार हो जाओ। केदारनाथ के भाई के जो आदमी थे उनमें से अभी तक कोई आया क्यों नहीं? नेता लोग हैं साहब, मकतूल केशव के केस में वो अपना हाथ नहीं डालेंगे। अच्छा, गांधीनगर के कुछ खास लोगों की फाइल मेरे टेबल पर ले आओ। सर अब आएगा मजा। अरे गवाह बनकर तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है छोकरा। अरे फनुआ उठाओ, हंस रहा है देख के। अब तुम दोनों के गवाही पर ही केस डिपेंड रहेगा। अब भाई जान सुबह शाम हमरे दुआरी पर चक्कर मारेगा, हमरे दुआर पर चक्कर मारेगा। भाई जान का बच्चा छोटे के लिए हमरे दुआर पर नाक रगड़ेगा, देख लेना। भाई जान तो इधर बाहर गया जी, पर उसका पड़ोसी बूढ़ा देशमुख को आपके पास जरूर आएगा। देशमुख? अरे आएगा तो बिठा लेना जी। हम जा रहे हैं नेताजी के पास।
अरे भैया, जब हमने आपसे कहा कि आपका काम हो जाएगा तो समझिए आपका काम हो गया। अरे भैया, चादर तान के सो जाओ, आपका काम हो गया हम कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ। तो भाई भंडारी, हम ठहरे जनता के सेवक, जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म रहा है। लेकिन पिछली बार इलेक्शन में चोट खाने के बाद हमें जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस बार कुछ भी करके हमें चुनाव जीतना है। अरे जीत गए समझो नेताजी, जीत गए। अरे मौजूदा सरकार से यूं ही जनता में आक्रोश है। इलेक्शन में जितने भी दुनिया भर के वादे किए थे वो मौजूदा सरकार ने पूरा भी नहीं किया। अरे वो तो ठीक है, मगर मुश्किल ये है कि वो अपने गांधीनगर का एमएलए, क्या नाम है उसका, केदारनाथ। हाँ केदारनाथ, वो अपनी नई पार्टी बना रहा है और अपने 50-60 नए उम्मीदवार खड़े करने के सपने देख रहा है। अरे उनके सपने सपने ही रह जाएंगे नेताजी, उनका कैंडिडेट किसी भी सीट से लड़े हमसे नहीं जीत सकता। यही तो आपका हिसाब मार खा गया भंडारी भाई। ये मत भूलिए कि अगर ये उल्लू का पट्टा केदारनाथ अपने उम्मीदवार खड़े करेगा तो इससे हमारे वोट कटेंगे। नतीजा क्या होगा, वो तो मुंह के बल गिरेगा ही, साथ में हमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। और होगा क्या, यही मौजूदा सरकार दोबारा सत्ता में आ जाएगी। अरे ये बात है, अरे तो फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब देखो खेल, अरे वो केदारनाथ की हमारे सामने औकात ही का है। लेकिन एक बात है नेताजी, क्यों ना केदारनाथ को बुलाकर प्यार से कुछ समझाया जाए, अगर बात समझ में आ जाए तो अपना रास्ता साफ हो सकता है। अरे वो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। लेकिन तुम कहते हो तो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन याद रखना, इस चुनाव को जीतने के लिए हमें कुछ और भी करना होगा। अरे हाँ, चार छोकरे हैं, जोश में आके एक का खून कर दिया, उनका जमानत करवाना है। वो भी हो जाएगा, आपके कोई खास हैं क्या? अरे बिल्कुल नहीं, ऊ लोगन का हमसे कामिल। लेकिन नेताजी एक बात सोचने जैसी है, जो लौंडा लोग जोश में आकर कत्ल कर सकता है तो होश में आकर कई कत्ल कर सकता है। हम आपकी तारीफ करें भंडारी भाई, आप भी खालिस 100% निरे सुअर हो। मंदा 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 बेटी, क्या हो पिताजी? कुछ नहीं बेटा, आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। और फिर भंडारी भाई कोशिश कर ही रहे हैं ना? ऐसी कौन सी कोशिश कर रहे हैं जो 4 दिन हो गए फिर भी कुछ नहीं हुआ? बेटा कोर्ट कचहरी का मामला है, समय तो लगता ही है ना, और मर्डर केस में यूं ही जमानत नहीं होती, बहुत कानूनी दावपेच खेलने पड़ते हैं। और ये सब छोड़, तू झाड़ू वाड़ू चल, खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। जी हे भगवान, मेरे राजा को कैसे भी करके छुड़ा लो। मानता हूँ मिस्टर गुप्ता बहुत सुलझे हुए वकील हैं, जो कत्ल के केस में मुजरिमों को इतनी जल्दी छुड़ाने में आप कामयाब हो गए। खैर नेचुरली। थैंक यू सर। ओके सुनो, जैसा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे माँ बाप के मौत के बाद बचपन में किसी रहमान भाई उर्फ भाईजान ने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उस आदमी ने तुम्हारे लिए कुछ सपने देखे होंगे। आइंदा जिंदगी में कोई कदम उठाने से पहले अपने भाईजान के बारे में जरूर सोच लेना, समझे? एक बात और, जिस वर्षे से तुम्हारी जमानत हुई है वो तुम्हारी सोच के बाहर थी, जिसका खामियाजा भुगतते हुए मैंने बहुत से लोगों को देखा है। नाउ यू कैन गो। जी सर। अरे उस शेर हुए तो हमका हुए है? अरे अपने बच्चे आजाद होकर आए मर्दवा, अरे कौनो चैया वैया का बंदोबस्त करो। उसकी कोई जरूरत नहीं सर, वो हम लोग आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। हमारा शुक्रिया अदा करने आए हो? अरे ये कहने का कौनो जरूरत नहीं है, अरे भाई जान नहीं है तो कौनो जुगाड़ तो करना पड़ता है ना। शुक्रिया अदा करना है तो उन नेता का जाकर करो जिसने तुमको छुड़ाया है। धन्यवाद।
जी नमस्ते। अच्छा तू इतना गुस्सा में काहे रहता है? क्या करें सेठ, अपना थोबड़ा ही ऐसा है। मतबल रोता है तो सकल ही ऐसी है। ये लौंडा का तेवर बहुत खराब लगता है। कोई बात नहीं, हम इनका तेवर ही ठीक कर देंगे। दो तीन फटका पड़ेगा ना, तब तेवर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। केदारनाथ जी, जिस तरह आप जनता के सेवक हैं, उसी तरह हम भी हैं। फर्क सिर्फ यह है कि आप तजर्बे में हमारे सामने एक नादान दूध पीते बच्चे की तरह हैं। यही सुनाने के लिए आपने मुझे बुलाया था? नहीं नहीं, सुनाने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए। आप अपनी पार्टी बनाने के बजाय अगर हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो हो सकता है कि सत्ता में आने के बाद हम आपको उप मुख्यमंत्री बना दें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया नेताजी। वैसे मैं जानता हूं कि ये नई पार्टी बनाने की वजह से आपके सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अगर आप इतना जानते हैं तो ये भी जान लें कि भूल चूक से अगर आपको एक दो सीटें मिल भी गई, तो इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। ये तो वही मिसाल हो गई ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिल्कुल उस धोबी के कुत्ते की तरह जो ना घर का है और ना घाट का, बीच में लटक रहा है ऐसे। अगर आप मिलजुल कर काम करना चाहें तो 30 सीटें मुझे दे दीजिए। वहां आप अपना एक भी कैंडिडेट खड़ा ना करें। सोचिए, समझिए और फोन कीजिए, वरना। वरना क्या? क्षमा कीजिए नेताजी, आपसे कुछ लड़के मिलने आए हैं। भेज दो। जी। आपके गांधीनगर के, इनसे छोटी सी भूल हो गई थी, हमने भी इन पे छोटी सी मेहरबानी करके इनका भला कर दिया। ओह, तो तुम ही हो तीनों जिन्होंने केशव का कत्ल किया। उसी ने वार किया था हम पर। सफाई अदालत पे देना, लेकिन भूलना मत कि केशव मेरा आदमी। केदारनाथ जी, नेताजी, इन्हें डराइए मत, ये मत भूलिए कि इस वक्त ये मेरी पनाह में। जय हिंद। जय। देखा कैसे धमकी देकर गया है? उसकी जिंदगी तुम्हारी मौत, और उसकी मौत तुम्हारी जिंदगी। इसका गेम कर दो। कुछ भी हो जाए नेताजी, हम कत्ल नहीं करेंगे। और अगर हम हुकुम करें तो भी नहीं। ये मत भूलो कि तुम्हारे इस केस में जो दो गवाह हैं, वो मेरे आदमी हैं। उनकी गवाही तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकती है, और अगर हमारी मेहरबानी हुई तो तुम्हें रिहा भी करा सकती है। सोच लो। हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं नेताजी? नहीं नहीं, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूं। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो आजादी की जिंदगी गुजारोगे, और अगर किसी दूसरे रास्ते पर चले गए तो अपने ही गले में फांसी का फंदा डालकर लटक जाओगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। जाइए। अरे भाई, ये गैराज बंद क्यों है? भैया नो अपने राजा भैया एंटोनियो बल्लू ने उस बेवड़े केशव का कत्ल कर दिया, और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। क्या? चिंता करने की कोई बात नहीं भाईजान, अपने भंडारी चढ़ने ने तीनों को जमानत पर रिहा करवा लिया। कुछ मत सोचो, तुम चुपचाप हमारे गांव चले जाओ। वहां पर हमारा मकान है और रिश्तेदार भी। वहां पर सब तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक कोर्ट कचहरी का मामला दब नहीं जाता, तब तक तुम वही रहना, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं मंदा, मेरे चले जाने से केस और भी बिगड़ सकता है, और फिर टोनी और बल्लू भी तो हैं, और उनका क्या होगा? देखो, यहाँ जो हुआ है वो तो होता रहेगा। तुम गांव जाकर सलामत रहो। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? चाहिए तो वहाँ जाकर छोटा मोटा कारोबार कर लेना। ये कुछ गहने हैं और कुछ पैसे। देखो, मना मत करना मंदा। देखो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। भाईजान आएंगे ना तो मैं बता दूंगी। नहीं मंदा, मैं भाईजान को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि भाईजान ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनके लिए सब कुछ हूँ। सोचता हूँ इस मामले की खबर सुनकर
भाईजान पे क्या गुजरेगी। वो आ रहे हैं ये सोचकर मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। भाईजान होते तो मैं बेफिक्र हो जाता। छोटे, अब जो हो गया सो हो गया, हिम्मत से काम ले। अल्लाह बहुत बड़ा है, भरोसा रखो उस पर। मुसीबतें आती है, मुसीबतें चली जाती, यही जिंदगी है। लेकिन अल्लाह पर अपना भरोसा हमेशा हमेशा कायम रखना, समझे? आओ चचा जान आओ। अरे जीते, चचा के लिए चाय तो लेके आ। चाय तो रहने दो बेटे, तुम लोगों से कुछ अर्ज करने आए। अर्ज क्यों? हुकुम कीजिए चचा जान। बेटे, इस केस में तुम राजेश्वर को तो बचा ही सकते हो, वो भाईजान की जान है और भाईजान की जान हम सबकी जान है। अब बेफिक्र होकर पढ़ाई करो, एडमिशन लो, किताबें खरीदो। और रही बात केस की, तो अल्लाह ने चाहा तो तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जी भाईजान। ये भंडारी जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इनसे होशियार रहना। उसकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि वो मुझ पर एहसान करे और मैं उसका एहसान मंद रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। वो जो तेरे साथ हादसा हुआ है ना, उसका फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं और दया की भीख मांगूं। खैर, तेरी खातिर मैं ये भी कर लूंगा। भंडारी एक मकड़ी की तरह है, वो जाल बिछाता है और लोग उसमें आके फंसते हैं, और जैसे लोग फंसते हैं वो खून चूस लेता है। समझ रहा है ना? जी भाई जी। बस भंडारी से होशियार रहना जी। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। भाई जान ने जो भी कहा ठीक ही कहा, लेकिन हमें इस केस से पीछा छुड़ाने के लिए केदारनाथ को टपकाना ही पड़ेगा। क्या गारंटी है? अगर हम केदारनाथ को टपका भी दें तो भंडारी के आदमी हमारे खिलाफ गवाही नहीं देंगे। अगर हम उन दोनों गवाहों को भी टपका दें तो? पागल हो गए हो क्या? उन सब के कत्लों का इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा। आखिर कत्ल करने के बारे में सोचती क्यों हो यार? नहीं तो क्या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने की खुशफहमी में रहे? कुछ ना कुछ तो हमको करना ही होगा। हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर भाईजान भंडारी के पास जाकर कुछ कहें तो? नहीं नहीं, भाईजान उसके पास जाकर दया की भीख नहीं मांगेंगे, और ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, कभी नहीं। बस तो अब केदारनाथ को टपकाना तय रहा। तो ठीक है, मैं अकेला उसको टपका देगा। अकेला क्यों? अगर मामला बिगड़ा भी तो मैं अकेला फंसेगा ना, तीनों तो नहीं फंसेंगे ना? नहीं टोनी, नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम साथ रहेंगे। अरे ये का है? भंडारी साहब। अरे भाई जान, अरे भाई जान, का बात है? अरे देख नहीं रहा है भाई जान है? कड़क चाय मीठा लेकर आओ। जी लाता जी, जाओ लेकर आओ। अच्छा भाई जान, सब कुशल मंगलता है भाई जान? सब ठीक ठाक है। बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था। अरे शुक्रिया किस बात का, ये कह के तू हमारे दिल दुखा दिया। अरे जैसे छोटे आपके लिए है वैसे हमारे लिए है, आप नहीं थे तो आपका फर्ज हमने निभाया, उसमें कौन बड़ी बात है? मेरी गैर हाजिरी में जो आपने छोटे के लिए किया है उसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई खिदमत हो तो जरूर कहिएगा मुझसे। अरे कहने को तो आप बहुत कुछ कहते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। अरे हमने 10 बार बोला हमारे साथ काम करो, हमारे साथ काम करो, तो आप टका सा जवाब दे देते हो। अरे क्या करूं भंडारे भाई, मैं मजबूर हूँ। आपका कारोबार अलग है और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता मैं कब का छोड़ चुका हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। दो है और भूल लोट जी, और कुछ जाना भी जी। यहाँ हमारे और तुम्हारे सिवा है ही कौन? सभी लोग भंडारी के यहाँ जश्न देखने गए हैं। मेरे बच्चे का एडमिशन तो हो जाएगा ना? एडमिशन हो जाएगा, समझो हो गया। जो तुमने हमें डोनेशन दिया है ये क्या किसी से कम है? यही तरक्की के रास्ते हैं।
मैं कुड़ी जवा, 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 ये दिल ना दूं मैं कहीं गवा। मैं कुड़ी जवा, मैं कुड़ी जवा, मैं कुड़ी जवा। मैंने आपसे कह दिया कि जब मैंने घर में एंटर किया तो मैंने सिर्फ अपने भाई की लाश को देखा, उसके सिवा मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ पता भी नहीं है। अब तो मेरा पीछा छोड़ो। मेरे भाई के कत्ल को मैं नहीं छोड़ूंगा। भाईजान ने सच ही कहा था कि भंडारी एक मकड़ी की जाल बनता है और उस जाल में लोग आकर फंस जाते हैं। मुझे लगता है अब वो हमसे काम लेगा। हेलो, आओ अरे जी, आज करो ना। किधर है ना? तेरे पुलिस को बयान दिया कि उसने किसी को नहीं देखा, इसलिए यहाँ से निकलना भी मत। ये भंडारी सेठ का आदेश है, समझे? हमें जाता, निकलना मत। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, कैलाशनाथ हम लोग की तलाश करता हुआ जरूर भाईजान के पास गया होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। या अल्लाह, इन बच्चों की मदद कर। कहाँ है वो छोकरा तुम्हारा? बात अदब और तहजीब के दायरे में रहकर की जाए तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे कैलाशनाथ जी। और खान साहब, जिंदगी अगर सुख और शांति के दायरे में गुजरती जाए तो मुसीबतें आपके दरवाजे पर नहीं आएंगी।
तुम्हारे उस छोटे लाडले ने मेरे बड़े भाई का कत्ल किया है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उस दिन गैरेज वाले दो लौंडे भी उसके साथ थे। अगर ऐसी बात थी तो आपने पुलिस में झूठा बयान क्यों दिया कि आपने उन्हें देखा नहीं? वो इसलिए कि मैं उसे उसके पापों की सजा खुद देना चाहता था। मैं कोर्ट कचहरी और कानून के दायरे में आकर उसे किसी किस्म की मोहलत नहीं देना चाहता था। कहाँ है वो ब्लाउज? है वो यहाँ नहीं है कैलाश नाची, और अगर आपको वो कहीं मिले तो उससे कुछ कहिएगा नहीं। कुछ कहना तो दूर, वो कहीं मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आपकी सेहत के लिए कुछ ठीक नहीं होगा। मैं उससे मिलूंगा, उससे हकीकत पूछूंगा, सुनूंगा और फिर आपके पास आऊंगा, फैसला हो जाएगा। ठीक है खान साहब, मैं तो क्या सारा गांधीनगर आपकी जुबान पर भरोसा करता है, और इसी जुबान के भरोसे पर मैं यहाँ से लड़े भी न जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपकी जुबान पर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाना तैयार है, पीने पिलाने के बाद जो चाहिए बाहर वेटर को बोल देना। भंडारी साहब ने आप लोगों का खास ख्याल रखने के लिए बोला है। जब तक कि मामला दब नहीं जाता आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, और यहाँ से निकलना भी मत। राजा तू भाईजान से मिल क्या? लेकिन वो मना करके गया यार। वो सांस लेने से मना करेगा तो क्या सांस लेना छोड़ देंगे? राजा तू भाईजान से मिल के आ जा। ठीक है। अरे रोज कहाँ निकल? आधा वर्ष भंडारी साहब। बेरोजगारी भंडारी साहब आधा। अरे भाईजान बोलो क्या है, क्या बात है? भंडारी साहब मैं अपने छोटे के बारे में पता करने आया हूँ। अरे छोटे के बारे में हम आपको क्या बताएं? अरे वो एमएलए केदारनाथ है ना, कल रात उन छोकरों ने उसका मर्डर कर दिया, और सुना है केदारनाथ का छोटा भाई कैलाश नाथ उन छोकरों को कुत्ता की तरह ढूंढ रहा है। जानता हूँ, और इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने छोटे के बारे में जानने के लिए। अरे आप कैसन बहकी बहकी बात कर रहे हैं, भला आपके छोटे के बारे में हमको क्या मालूम? लगता है आपको कुछ कुछ गलत फहमी हो गई है। अगर छोटे आपको मिले तो हमारे पास ले आना, हम उस पर जरा भी आंच नहीं आने देंगे। लेकिन अगर उस पर कोई भी आंच आई भंडारी, तो एक बात याद रखना, जो खूनी खेल खेलना मैंने छोड़ दिया था वो मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। अरे तुमने खेलने के दिन कब के लद गए भाई जान के बच्चे, अब खूनी खेल खेलने का बारी हमरा है भंडारी का, और खिलौना बनेगा तू और तोरा छोटा। देखिए आपके छोटे भाई और उसके साथियों ने किसी के कहने पर किया है या अपनी मर्जी से, लेकिन कत्ल तो मेरे बड़े भाई का हुआ है ना, और मैं इसका बदला लिए बिना चुप नहीं बैठूंगा। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ कैलाश नाथ जी, आपके साथ जो हुआ है अगर मेरे साथ भी ऐसा ही होता तो मैं भी शायद यही सोचता, लेकिन बदले से क्या हासिल होगा? उन्होंने आपके भाई को मारा, आप उन तीनों को मार डालेंगे, हो सकता है कि उनका कोई सगा संबंधी फिर आपको मार डाले तो क्या करेंगे? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अपने गुस्से पर काबू रखिए। देखिए उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए रहमान भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, और हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो गलत भी ना हो, लेकिन आपके माफ़ी मांगने से क्या होगा? दरअसल खतरा तो मुझे उनसे है, जिन्होंने मेरे बड़े भाई का कत्ल किया वो कल को मुझे भी मार सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप उन सबको मेरे सामने लाइए और वो मुझसे खुद माफ़ी मांगे। हो सकता मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी इज्जत रखी। शुक्रिया। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू, जो आप चाहेंगे खान भाई वही होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे नेताजी तुम काहे चिंता करते हो, भंडारी के होते हुए काहे चिंता करते हो, इलेक्शन तो आने दो, इस बार तो इलेक्शन हम जीत के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भंडारी भाईजान। अरे आओ भाई जान, मोस्ट वेलकम। अरे कैसे हो, सब कुशल मंगल है? अरे देखते क्या हो, ऐसे क्यों खड़े हो? अरे लस्सी लाओ, जलेबी लाओ, भाई जा रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने की जरूरत नहीं है भंडारी, मैं तुम्हारे रंगों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, अगर मैं शांत हूँ तो सिर्फ छोटे की वजह से। अरे जानता हूँ भाई जान, सब जानता हूँ, आपने अपने छोटे के लिए अंडरवर्ल्ड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, और यही नहीं छोटे के लिए आप एक मुद्दत से शांत हो ये भी जानता हूँ, वरना आप आज भी अंडरवर्ल्ड के बादशाह होते, किंग होते, द किंग भाईजान। वो तो मैं अब भी हूँ और जब चाहूँ बन सकता हूँ,
लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे छोटे को कुछ हो गया ना तो फिर देखना। तो का होगा छोटे को? मर्डर के बारे में सोचते हो? खाली मर्डर केस है और गवाह सब अपने आदमी ही खड़े हैं। देखो ये अपने ही आदमी हैं। ये थोड़ी कोर्ट पे खड़ा होके उसके खिलाफ गवाही देंगे। अरे कोर्ट पे खड़ा होके ये साफ साफ कह देंगे हम कुछ नहीं जानते हैं। वो केशव बेवड़ा अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार है। बस केस क्लास फिनिश। अरे भंडारी का जवान है, काहे फिक्र करते हो? हाँ मैं जानता हूँ तेरी जबान को, लेकिन तूने और उस नेता केदार ने जो मेरे छोटे को कत्ल करने के लिए मजबूर किया, उसका क्या होगा? अब आपसे कहाँ छुपाए भाईजान। नेताजी ने छोटे को अपना नहीं समझा, बस उसके कान फूंक दिए और यही बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। जब हमको पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी हम मामला दबाने के लिए बहुत कोशिश किया और कोशिश करेंगे। जारी है कोशिश। लाख दो लाख पाँच लाख हम तो कहते हैं 50 लाख खर्चा हो जाए और मामला सब सही हो जाएगा। आप काहे फिक्र करते हो? चिंता करने की जरूरत तो तुझे है भंडारी। तूने मेरे छोटे और उसके दोस्तों को अपने जाल में फंसाया और फिर उन्हें हालात में मजबूर किया, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अपनी ताकत को इकट्ठा करके रखना भंडारी। मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना, और जिस दिन मैं वापस आया ना तो मेरी वापसी तेरे लिए मौत का सबब होगी, याद रखना। अरे जाओ जाओ, मर गए भंडारी को मारने वाले। अरे पहले अपनी चिंता करो, जहाँ जा रहे हो वहाँ से बचकर निकलोगे का? भंडारी को मारेंगे। आइए आइए रहमान भाई, तशरीफ रखिए। नहीं कैलाश ना जी, मैं यहाँ बैठने तो नहीं आया। मैंने आपसे जैसा वादा किया था मैंने ले आया, माफी मांगो इनसे। हमको माफ कर दो कैलाश ना जी। माफ किया जाओ, हमने माफ किया। आपने मेरी इज्जत रख ली, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रहमान भाई। चलो रुक जाओ। मेरे भाई के कातिलों, तुम क्या समझते थे मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगा? कैलाश नाथ, नहीं कैलाश नाथ, ये क्या कर रहे हो? ये धोखा है। नहीं नहीं कैलाश, खून का बदला खून। भाईजान, भाईजान, मैं जानता हूँ बेटे, भाईजान के लिए तुम्हारे दिल में क्या जज्बात है, लेकिन उनके जनाजे में शरीक होना तुम लोगों के हित में नहीं है। वहाँ खतरा ही खतरा है, पुलिस जरूर होगी वहाँ पे। हाँ राजा, चचा जान ठीक ही कह रहे हैं। होता है, इंसान की मजबूरियां होती है। अरे आप तो अपना एरिया का पक्का बदमाश हो नेताजी। अरे इलेक्शन जीतने के लिए आप लोग कुछ भी हरामी पना करने से नहीं चुकते। अगर गांधीनगर में ही शांति भंग करना है, अरे कर देंगे, दंगा फसाद करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद तो होता ही रहता है। ये मत भूलोगे गांधीनगर हिंदू मुस्लिम एकता की जिंदा मिसाल है। जब पिछली बार पूरे देश में दंगा हुआ था ना, तब भी गांधीनगर में कुछ नहीं हुआ था। अरे आप तब भी कहते तो करवा देते थे दंगा वहाँ। गांधीनगर का बात है, अब कहिए कब करवाना है दंगा? चुनाव से पहले कभी भी करवा दो, चाहो तो अगले हफ्ते, लेकिन ये बताओ कि ये करवाओगे कैसे? अरे वो हम पर छोड़ दो नेताजी, वो हमारा काम है। अरे वो तीन छोकरे हैं ना, उनसे ही काम करा देंगे। वो किस दिन के लिए आए हमारे पास? भंडारी, जिंदगी में मैंने जुगाड़ू तो बहुत देखे, लेकिन तुझ जैसा कमीना नहीं देखा। राजा टोनी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा टोनी, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं टोनी। शांत हो जा मेरे दोस्त, संभाल अपने आप को।
चाचा संभाल अपने आप को। अरे जो हुआ सो भूल जाओ। अरे हमरे रहते हुए तुम लोगों को अब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों को एक काम करना होगा, बहुत छोटा सा, और उमा कोनो रिस्क भी नहीं। वो कैसे? गांधीनगर का शिव मंदिर और बड़ा मस्जिद दोनों को अपवित्र करना है। मतबल मंदिर और मस्जिद में कुछ ऐसा करना है कि दंगा हो जाए। आपका मतलब है हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद हो जाए? बहुत समझदार हैं आप। अगर ऐसा ही समझदारी दिखाया तो इलेक्शन जीतने के बाद हम तुमको कमाई वाला जगह पर बिठा देगा। ये भंडारी का वादा है, हाँ? भंडारी का वादा तो वादा। हम ये घिनौना काम नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? आज तक जो खून खराबा करते आए हो उका बहुत पुण्य का काम है। देखो छोकरो, आज कल में तुम लोग ये काम कर लो। अरे सोच कर रहे हो? अरे तुम्हारी सलामती का गारंटी हम लेते हैं, भंडारी लेता है। देखो बच्चों, अगर तुम लोगों ने हमारा ये काम नहीं किया ना, तो तुम लोग उ केस में भी फंस कर रहोगे और तुम लोग ई केस में भी फंस कर रहोगे। पुलिस लॉकअप में सड़ोगे भी और एक दिन फांसी पर भी लटका दिए जाओगे। अगर हम पुलिस में जाके पेशी दे दें? जितना तुम लोग हमरे बारे में जानते हो ना, उससे कहीं ज्यादा गुना पुलिस हमरे बारे में जानती है। फिर भी ससुरी हमरे चौखट पे सैल्यूट मारने आती है, शाम में, सुबह में, दोपहर में। अरे पुलिस से सेटिंग है हमरी। और रही बात पुलिस के सामने तुम्हारी पेशी करने की, ए धमकी नहीं देना भंडारी को। भंडारी है हमरा नाम। अगर जिंदगी में तुम लोगों को कुछ करना है तो हमारी बात तुम लोगों को माननी ही पड़ेगी। जाओ जाओ, जो हम कहते हैं करते जाओ, डरो मत, घबराओ मत, तुमने पीछे भंडारी है। बच्चा ने छोटे छोटे बच्चे हैं, सिखाना पड़ता है ससुरे। मैं तो कहता हूँ इज्जत के साथ जाके पुलिस में सरेंडर कर देते हैं, वरना एक ना एक दिन पुलिस हमें कहीं ना कहीं से तलाश ही लेगी। तुम ठीक कहते हो बल्लू भाई, आखिर हम कब तक और कब तक मुंह छुपा कर रहेंगे? अपने को सरेंडर नहीं होने का, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन टोनी भाई, अपने को सरेंडर तो होना पड़ेगा ना? तो ठीक है, कल हम तीनों में से कोई एक सरेंडर हो जाएगा, देखते हैं पुलिस उसके साथ क्या बर्ताव करती है। ठीक है, पहले मैं ही थाने जाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, ये तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, नहीं तो मैं तुम्हें इनकाउंटर में मार डालता, समझे? हवलदार जी सर, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, कोई फोन आए तो अटेंड कर लेना। यस सर। अब तो मेरी तरफ की पक्की है, चल। ए चल उतर। चल तुझे भंडारी सेठ से मिलाता हूँ। भंडारी सेठ आ गया वो। ये रहा आपका शिकार। हाँ इंस्पेक्टर। और हाँ, इसे तो मैं रास्ते में टपका देता। अच्छा, लेकिन क्या करता, तुम्हें दौड़ाने का बड़ा शौक है ना, इसलिए इसे ले आया। अच्छा किया। ईलो, दौड़ाना अच्छा लगता है। और तेज दौड़। Thank you.
के तंदना, भाग भाग और भाग। अब तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं, तेरे को इधर इक्का चलेगा। अरे हराम खोरो, वो छोकरे सामने आकर वार करके चले गए और तुम लोग मुंह देखते रह गए। बहुत शर्म का बात है, जाओ जाकर उनको तलाश करो। तुम लोग यहाँ से निकलने की सोचना भी मत, जब तक चाहो तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन हमेशा एक चीज सोचते रहना कि आगे क्या करोगे, क्योंकि जिंदगी भर तो छिप नहीं सकते ना। मुझे तो लगता है कि अब हमारी जिंदगी बची ही नहीं, कुछ करो तब अंत, ना करो तब अंत। अब तो भंडारी के आदमी भी हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए। क्या? भंडारी ने हमसे दंगा कराने की बात की थी। हम नहीं करेंगे तो भंडारी के पास ये काम करने के लिए और बहुत से आदमी हैं। इस जगह पर सब लोग, हर धर्म के लोग इतने अमन चैन और शांति से जीते हैं, यहाँ वो दंगा कैसे कराएगा? शिव मंदिर और बड़ी मस्जिद को अपवित्र करके। मंदिर को अपवित्र कर दिया इन शैतानों ने। हाँ। पुजारे को मार डाला, ये शैतान बच के नहीं जाना चाहिए। हम बदला लेके रहेगा। हाँ। मारो इसे, मारो जे, मारो इन सब को। अब मुसलमान को नहीं छोड़ेगा। पुजारी को मर्डर किया, अब हम तेरा मर्डर करेगा। तब समझ में आएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, नमाज के बाद कोई घर नहीं जाएगा। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हैं? हैं? अरे बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? अरे बहुत बुरा हुआ, मैं उन्हें समझा नहीं पाया। दंगे शुरू हो गए, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं जान से। बहुत देर हो गई चाचा, बताने में हमें देर हो गई। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हम उन्हें रोक सकते हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम मेरे सिपाही हो, आओ मेरे साथ चलो। अल्लाह से ठीक करेगा। चाचा जान, चाचा जान, मुंह बचा लो, 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 मुंह बचा लो। चाचा जाओ, चाचा देश पांडे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। जरूरत नहीं है मोलर चाचा। इकबाल बाहर आ जा, पुलिस गोली मार दूंगा। अयो जे, इधर इधर। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन भंडारी जैसे कमीरों को मत छोड़ना, जिनकी वजह से देश बर्बाद हो रहा है। सत्ता, हमारी सत्ता। मैं जानता हूं कि आप सब लोग ईमानदार, घर गृहस्थी वाले शरीफ लोग हैं। इस मौजूदा सरकार ने चुनाव के बाद जो आपसे बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? कुछ नहीं। जिस सरकार को आपने वोट दिया, जिसको आप सत्ता में लाए, उन्होंने बदले में आपको क्या दिया? दंगा फसाद, खून खराबा, मारकाट, भुखमरी, बस।
शांति की मिसाल गांधीनगर में असामाजिक तत्व मार काट करते रहे और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस दंगे में जो बहन भाई जख्मी हुए, बेघर हुए, उनकी खबर तक नहीं ली गई। शर्म आती है मुझे ऐसी सरकार पर, शर्म। उन्होंने अपने वादे पूरे ना किए, ना सही, लेकिन जो सरकार जनता के जानो माल की हिफाजत ना कर सके, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं कहता हूं कोई हक नहीं है। हमें इस निकम्मी सरकार को गिराना है, गिराना है, गिराना है। हमें गांधीनगर में फिर से हम चैन और खुशहाली लानी है और हम लाकर रहेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे नहीं बल्कि उन फसादियों को पहल करनी होगी जो ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है, किसके इशारे पर उन्होंने मौत का ये तांडव खेला है। वो सामने आए। वो ऐसे लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो सामने आए और अपना जुर्म कबूल करके आत्मसमर्पण करें। मैं उन सबसे वादा करता हूं, ये मेरा वादा है कि मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि उन्हें दोबारा एक अच्छा नागरिक बनने का मौका दिया जाए। वो सामने आए। उनमें से है कोई ऐसा? तुम में से है कोई ऐसा? सामने आओ। मैं हूं नेताजी। आओ नौजवान, आओ। तुम्हारा हौसला और ईमानदारी देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। खुशी तो मुझे आपके वादों को सुनकर हुई नेताजी। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आओ नौजवान, कुछ गड़बड़ नहीं करना वरना नीचे गोली चला देगा। जाकर बैठ जा, नहीं तो तेरे इस नेता का सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई जुर्म किया। किया है नेताजी, पहला कत्ल केशव का और दूसरा आपके कहने पर। बेटा, क्यों इस भरी सभा में अपने बाप समान बुजुर्ग नेता से मजाक कर रहे हो? बच्चा है, बच्चा मजाक कर रहा है। ए मंत्री, सीधा सीधा बोलने का, किसका कत्ल करने के लिए बोला था तूने? वरना अगले इलेक्शन में तो क्या खड़ा होगा, स्पॉट पे भी खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। ए इंस्पेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक हो तुम, कोई चालाकी मत करना वरना नेता की लाश तो गिरेगी, पता नहीं कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। अरे भाई, हम तो शांति वापस लाने के लिए सभा में आए हैं, खून खराबी की बात क्यों कर रहे हो? भंडारी भाई, समझाओ ना इन्हें। बंकस मत कर रहे, बता किसका कत्ल करने के लिए कहा था तूने हमसे, वरना ट्रिगर पर मेरी उंगली दब जाएगी। खबरदार, अगर किसी ने नेताजी पर गोली चलाने की कोशिश की तो तुम तीनों ही मारे जाओगे। नेता और भंडारी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं बस्ती वालों। केशव के कत्ल के केस में जब हम इससे जमानत मांगने गए तो जानते हो बदले में इसने हमसे क्या मांगा? क्या मांगा था बोल रहे, और क्या करने के लिए कहा था तूने हमसे? वो क्या है कि एमएलए केदारनाथ हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, हमारा उनसे बहुत मजाक चलता था, वो तो हमने यूं ही मजाक में उन्हें कत्ल करने के लिए कहा था। ये नादान सच समझ बैठ। देखो, नेताजी को जुर्म की सजा अदालत देगी, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मैं वादा करता हूँ। बस बस साहब, एक बार पुलिस पे भरोसा करके देख लिया, अब नहीं करेंगे। We'll be right back.
अरे वो दोनों का जिंदा गिरफ्तार होना भंडारी सेठ के माथे पे कलंक है कलंक। मैं सब समझता हूँ भंडारी सेठ, इन दोनों को कभी मैं गिरफ्तार ना करता, सीधा शूट करता। लेकिन अरे लेकिन वेकिन का उको लॉकअप में खत्म नहीं कर सकते का? बैठने को नहीं कहिएगा का? ये बैठक नहीं है जो किसी की मेहमान नवाजी करूं। भंडारी सेठ ये पुलिस थाना है, समझे? अरे हम सब जानता हूँ, इसीलिए तो तुमने साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। पुलिस की नौकरी दोस्त बनाने के लिए नहीं, फर्ज निभाने के लिए की जाती है। अरे वो सब हम जानता हूँ साहेब, सब जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते हमारा साथ दोस्ती करने में तुम्हारा कितना फायदा है। ई लो, ई मिसाल है, ई मां 500 का फुल नोट है। ई देखकर हो सकता है आप हमारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छी बात है, चाहते क्या हो? अरे कहाँ चाहने का, अरे वो दोनों छोकरे हैं ना तुम्हारे स्पेशल कस्टडी में, राजेश्वर और टोनी। अरे जो भी हो उनको छोड़ दो, बस इतना छोटा सा काम है। चाहो तो रिश्वत के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे बड़े कुत्ते कमीने पर एक मामूली चार्ज लगाना मेरे लिए तौहीन की बात है। हम जैसा बड़ा कमीना कुत्ता इंसान पर एक मामूली चार्ज लगाना भी हमारे लिए तौहीन है और कुछ नहीं। हम सिर्फ तुमको प्यार से बात करेगा। तुमने हमसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी का आखिरी गलती किया है और ये बात हम तुमको बहुत जल्द साबित करके दिखाऊंगा, ये हमारा वादा रहा। चलो रे। तू मुझे खरीदना चाहता था भंडारी, लेकिन मैं बिकने वाला नहीं। सुनो, तुम लोग इस हालात में कैसे पहुंचे हो मैं सुन चुका हूं और समझता भी हूं कि इस वक्त तुम्हारी सोच क्या होगी, लेकिन भूखे रहकर अन्न का अपमान करके तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। लेकिन जो बदला तुम्हें भंडारी से लेना है उसका हिसाब किताब मेरे ऊपर रहा। तुम क्या हिसाब किताब करोगे इंस्पेक्टर? किसी बड़े केस में डालकर उसे कोर्ट ले जाओगे, वहां पर तुम्हारा केस कोरा कागज के माफिक कोरा ही रह जाएगा और कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देगा। अगर आपको हमारे बयान की सच्चाई पर जरा भी यकीन हो और जरा सी भी हमदर्दी हो तो हमें थोड़ी देर के लिए आजाद कर दीजिए। हम भंडारी से अपना हिसाब किताब चुकता कर लेंगे और आपको भंडारी के खिलाफ कोई केस बनाने में तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ तुम लोगों को समझाने के लिए आया था, तुम लोग लगे बकवास करने। खाना खाना है तो खाओ वरना भूखे सड़ते रहो। ये क्या, ये किस लिए? मुझे पिस्तौल चाहिए, असली गोलियों से भरा हुआ। लेकिन तुम पिस्तौल का करोगे क्या? जो काम राजा नहीं कर सका वो मुझे ही करना है, उस कमीने भंडारी का कत्ल। तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ, मगर मैं राजा के बिना जी भी नहीं सकूंगी। राजा टोनी बाहर आओ। हवलदार, यस सर। तुम भी नीचे उतरो। जी सर। एनकाउंटर करना मांगता है क्या इंस्पेक्टर? हवलदार, इनकी हथकड़ी खोल दो। यस सर। भंडारी इस वक्त तुम्हें अपने गैरेज में मिलेगा और चंद मिनटों में तुम वहां पहुंच जाओगे। हम लोग तुम्हारे वापस आने का इंतजार यहीं करें। इस सियासत वाले बहुत हरामी हैं। अरे भाई, मौके का फायदा कैसे उठाना है इनसे सीखो। वक्त का फायदा उठाना तो कोई तुझसे सीखे भंडारी सेठ। अरे दो टके की लौंडिया, अरे हमारे साथ ऐसी बात करती है, है? और ये सब खिलौना हमने सामने से हटाओ। जानती हो हम कौन है? जानती हूँ राक्षस, इसीलिए तेरा अंत करने आई हूँ। अरे काका, Oh!
अरे अरे भाई में कहां से मरने आ गया डोनी भी ले रोशनी रोशनी है क्या क्या अरे ये तो लौंडिया को लग गया इसको भी मेरे ही हाथ से मरना था भंडारी का दूसरा नाम मौत अपना ये याराना कभी ना टूटेगा साथ अब ये हमारा कभी ना छूटेगा